क्या कभी आपने सोचा है कि एक सी स्टूडेंट की जिंदगी कितनी कॉम्प्लेक्स होती है जनरली लोगों को क्या लगता है ठीक है स्टूडेंट लाइफ चल रही है पढ़ाई कर रहा है डिफिकल्ट कोर्स है वो सब तो सब मान लेते हैं एंड सबको यही लगता है कि पढ़ाई में डिफिकल्टी है चैलेंजिंग कोर्स है टफ कोर्स है लेकिन उसके अलावा भी कितनी सारी चैलेंजेस है अगर आपको लगता है कि हाँ सच में चैलेंजेस है तो इस वीडियो को देखिएगा जरूर क्योंकि आपके दिल को जरूर छुएगी और दिल को छुएगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को और कॉमेंट करके आप भी अपने थॉट्स शेयर करना अभी कोर्स जब से चालू होता है तब से लाइफ कॉम्प्लेक्स होने लगती है तब से लाइफ डिफिकल्ट होने लगती है क्योंकि सभी को पता है सीए कोर्स डिफिकल्ट है चलो तो वो सबसे पहला टेंशन आ गया एनरोलमेंट के टाइम पे कि यार ये कोर्स डिफिकल्ट है क्या हम क्लियर कर पाएंगे नहीं क्लियर कर पाएंगे वो थॉट हमेशा रहता है फिर हम कोर्स चालू करते हैं तो रिश्तेदारों की थॉट प्रोसेस हमेशा रहती है कि अच्छा तुम सीए कर रहा है अरे तुम सीए कर रहे हो तुम तो इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तुम तो एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे आई थिंक तुम्हारा सीए हो जाएगा प्रेशर आ गया कि भाई दुनिया तो सोच रही है इंटेलिजेंट है लेकिन सीए कोर्स तो डिफिकल्ट है क्या हम एक बार में क्लियर कर पाएंगे क्लियर नहीं कर पाए एक अटेम्प्ट में अरे तुम तो इंटेलिजेंट थे टेंथ ट्वेल्थ में तो तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए थे तो तुम क्यों नहीं क्लियर कर पाए ओहो हो अच्छे से पढ़ाई नहीं किए क्या तुम तो क्लियर कर लेना चाहिए था

फाउंडेशन के बाद चालू होता है इंटर और फाइनल में वहां असली डिफिकल्टी आएगी वहां फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होकर दिखाओ तब मानेंगे हम लोग और अगर फाउंडेशन में फेल हो गए ओहो फाउंडेशन में फेल हो गए पहले ही बोला था डिफिकल्ट कोर्स है कोई बात नहीं कोई बात नहीं दो तीन अटेम्प्ट तो लगता ही है चार अटेम्प्ट उनको भी लग जाएंगे क्या बड़ी बात होने वाली है आर्टिकलशिप का टाइम आता है स्टाइपेंड नहीं मिल रहा वहां पर बहुत कम लोगों को लगता है मैं भी बोलता हूं कि चलो आप बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हो और आपके लिए आपको उसके लिए स्टाइपेंड भी मिल रहा है तीन चार हजार रुपए जो भी मिलता है कि एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और उसके साथ साथ पैसे भी मिल रहे हैं वाह कितनी अच्छी बात है बट सी स्टूडेंट्स नो कि उस पैसे से कुछ नहीं होना है वो चार हजार रुपए कब खर्चे हो जाते हैं पता नहीं एंड यस एक्सपीरियंस जरूर मिल रहा है लेकिन उसके साथ जो स्ट्रेस आ रहा है एक छोटी उम्र से ही आप अंडर प्रेशर हो बीस बीस घंटे काम करने के लिए ड्यूरिंग योर पीक पीरियड्स डिफिकल्टी चल रही है इरिटेशन चल रहा है बाल उड़ने लग रहे हैं फिटनेस का ख्याल नहीं रख पा रहे स्किन केयर नहीं कर पा रहे बाकी हॉबीज बाकी एस्पिरेशंस को हमने खत्म कर दिया धीरे 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 हम उसको खत्म करते चले जा रहे हैं बट दुनिया को तो यही लग रहा है कि हम भाई पैसे भी कमा रहे हैं <coughs> अच्छा आर्टिकलशिप में अगर आपकी अच्छी आर्टिकलशिप है प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो अरे वाह प्लेन में ट्रैवल कर रहा है बच्चा वाह 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 क्या बात है क्या किस्मत है तुम्हारी तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं आइए आप बैठिए और बताइए कितने मजे हैं आर्टिकल शिप करने डे इन एंड डे आउट की स्ट्रगल सिर्फ जो कर रहा है वो ही जानता है भार वाला तो कमेंट करके चला जाता है चलो ठीक है आप आगे बढ़ रहे हो कोर्स में नया टेंशन आ जाता है कि इंस्टीट्यूट आज सिलेबस चेंज कर देगी आज करेक्शन ठीक से नहीं कर रही है आज ये प्रॉब्लम हो गया आज वो प्रॉब्लम हो गया फिर बीच में एक न्यूज आ जाती है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सीएस को रिप्लेस कर देगा सीएस की डिमांड कम है सीएस का यह नहीं है सैलरीज़ कोई खास नहीं मिल रही फिर एक टेंशन अब चार साल पांच साल रगड़ रहा हूं मैं उसके बाद टेंशन हो रही है अच्छा मेरे साथ क्या हुआ था आपको पता है बेइजती जो होती है मैं बताता हूं बेजती कैसे होती है मैं गया एक शादी में मेरे कजिन की शादी थी वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे हम लोग गाड़ी में एक बड़ी गाड़ी थी तो छह सात लोग बैठ कर जा रहे थे उस गाड़ी में मेरी एक कजन सिस्टर पूछती है और क्या कर कर रहे हो आजकल मैं बोला सीए कर रहा अरे तुम तो चार साल से सी ही कर रहे हो अब अब सब देख रहे हैं मेरे को मतलब मन में तो हंस रहे हैं लेकिन हंस नहीं सकते चेहरे पर एम्बेसिंग हो गया काफी सिचुएशन चार साल तो फिर भी ठीक है और लकीली उसी दो दिन बाद मेरे रिजल्ट में क्लियर हो गया तो वहां पर एम्बेरसमेंट खत्म हुई लेकिन जो स्टूडेंट्स किसी भी कारण से नहीं क्लियर कर पाते जिनकी एज बढ़ते चले जाती है दुनिया के ताने खुद की टेंशन की पास परसेंटेज कम हो रहा है डिफिकल्टी ज्यादा हो रही है जस्ट इमेजिन द वी स्टूडेंट्स वी सी एस आर लिविंग इन लड़कियों का लड़कों का अलग परेशानी है कि आफ्टर एन एज शादी करना है सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता वो लड़कों के साथ भी होता है कि अरे तुम 26 साल के हो गए कमाओगे कब शादी कब करोगे लड़की नहीं मिलेगी लड़कियों का तो ऑब्वियसली है ही तेईस चौबीस साल में अगर थोड़ा सा भी फैमिली कंजर्वेटिव है तो नहीं नहीं बेटा आप तो चौबीस साल के हो गए हो शादी तो करना ही पड़ेगा ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है अब उस प्रेशर को झेलें या इस प्रेशर को झेलें बच्चे अपना पोटेंशियल लिव नहीं कर पाते काफी सारों के साथ ऐसा होता है कि भाई सीए छोड़ना पड़ता है अच्छा छह सात आठ अटेम्प्ट हो गए नहीं क्लियर हो रहा है मन नहीं है सर छोड़ने का लेकिन अब क्या करें सर पता नहीं मन को मार कर छोड़ना पड़ता है कोर्स को एंड लाइफ लॉन्ग यू हैव दैट रिग्रेट की छोड़ दिए इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी राइट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी एंड प्रॉब्लम क्या है इन ट्राइंग टू जस्टिफाई कि नए नए जो आउटकम है वो बहुत अच्छा है अगर आप सी बन जाते हो तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाती है उस चक्कर में हम कभी कभी अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं कि, कि कितनी चैलेंजेस स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू कंग्रेचुलेट यूर सेल्फ यू हैव टू पैट योर बैकी कोई बात नहीं अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहे हो इट इज अ डिफिकल्ट कोर्स आई एम नॉट से मेक इट एन एक्सक्यूज की हाँ चलो डिफिकल्ट कोर्स है तो दो कोर्स दो दो अटैम्प तीन अटैम्प्ट लगाएंगे आई एम नॉट सेट बट इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर ये जो सोसाइटी का प्रेजर है ना ट्राई टू लीव इट छोड़ो लोग बोलते रहेंगे लोग सोचते रहेंगे एक और एडेड प्रेजर आ जाता है कि चलो क्लियर कर भी गए तो जॉब जॉब कहां करें जॉब कहाँ मिलेगी मिलेगी तो हम क्या करेंगे whether we will be able to succeed or not, ये भी चैलेंज आ जाता है काफी सारे चैलेंजेस है बट देन दैट इज वन पार्ट ऑफ द अदर पार्ट जैसे कि मैंने कहा रिवॉर्डिंग है काफी रिवॉर्डिंग है एंड वॉट आई हैव सीन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस एंड जो सी ए मैं बन के रहा हूं वेन आई सी अदर पीपल द काइंड ऑफ रेजिलियंस दैट वी हैव इन आर सेल्फ की भाई साहब हमने इतना कुछ देख लिया है तेईस साल की उम्र तक चौबीस साल की उम्र तक चाहे वो फेलियर हो चाहे वो स्ट्रेस हो चाहे वो बॉस की गाली हो चाहे घर वालों का प्रेशर हो चाहे सोसाइटी का प्रेशर हो तेईस चौबीस साल तक तो हमने सब कुछ देख ही लिया है अगर वो सर्वाइव कर गए हम तब भाई साहब आओ बताओ हमको जिंदगी में हम क्या क्या और उखाड़ सकते हैं वो हम तुमको दिखाएंगे चाहे सी ओ बनो या ना बनो ये जो एक्सपीरियंस है ये जो रेजिलियंस है ये जो आप में स्ट्रेंथ आई है उसको यूटिलाइज करना डोंट यूज इट एज अगेटिव थॉट कि मैं सीए नहीं कर पाया बट यूज इट एज अ पॉजिटिव थॉट कि कोई बात नहीं मैं सीए नहीं कर पाया बट आई हैव लर्न ट्वेंटी अदर थिंग्स दैट विल हेल्प मी इन माई लाइफ स्टे मोटिवेटेड गेट सम आउटकम्स आउट ऑफ दैट ऑल्सो बिकॉज आपने जो टाइम स्पेंड कर दिया उसका कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए एंड इससे अच्छा इस्तेमाल मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता कि सीए कोर्स ने जो आपको डिफिकल्टी से पुश किया है फ्रॉम ऑल एंगल्स नाउ यू नो दैट नथिंग एल्स कैन इम्पैक्ट यू नथिंग एल्स कैन एफेक्ट यू मैं तो सिर्फ एक सेट ऑफ डिफिकल्टीज बता रहा हूँ आप स्टूडेंट्स और भी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करते होंगे स्पेशली वो लोग भी जो थोड़े फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से आते हैं या वो लोग जिनके पेरेंट्स खुद सी या बहुत रिप्यूटेड है सोसाइटी में जिनको सबको पूछ रहे कि आपका बच्चा कब बनेगा सीए क्या कर रहा है सीए वो प्रेशर अलग आता है डिफरेंट डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर देर डिफरेंट चैलेंजेस आर देर बट एट दी एंड ऑफ द डे अगर आप रेजिलियंट हो अगर आप स्ट्रांग खुद को दिमाग में रख के रखोगे अगर आप ये सोच के रखोगे कि मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी कर सकता हूं या कर सकती हूं देन देर इज नो बडी गोइंग टू स्टॉप यू मे बी यू डू नॉट क्लियर सी ए मे बी यू फेल इन द रेस टू बिकम सी ए बट इन द रेस ऑफ योर लाइफ विच इज मच मोर बिगर एंड मच मोर सिग्निफिकेंट एंड मच मोर इंपॉर्टेंट देन दिस शॉर्ट कोर्स आप विनर जरूर रहोगे लास्ट में जाते जाते अच्छा ये बात अगर पसंद आई हो तो लाइक like, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एक जनरल वीडियो इट सब्सक्राइब चैनल को करना और मेरी वाली जो क्लास है मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन नॉट डेवलपमेंट सॉरी पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन की जो कोर्स है इट्स अवेलेबल फॉर जस्ट रुपीज थ्री फिफ्टी आपको बहुत मदद करेगी वो आपके फ्यूचर को थोड़ा सा और बेटर बनाने में ऑलरेडी बहुत ब्राइट है फ्यूचर लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस से कम्युनिकेट करना सीख लेते हो कॉन्फिडेंस से पब्लिक स्पीकिंग करना सीख लेते हो प्रेजेंटेशन अच्छे से करना सीख लेते हो देन इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम फॉर वन टू आवर्स टेक दैट कोर्स दो घंटे का कोर्स है लाइफ लॉन्ग आपको उसकी वैलिडिटी है व्यूज अनलिमिटेड है जस्ट फॉर रुपीज थ्री अ सर्टिफिकेट ऑल्सो मी एज अ टेडेक्ट स्पीकर आई हैव शेय वॉट

Thank you so much for watching guys, all the very best.